एचटीएमएल में हमारे पास देखिए एक बटन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बटन में हमारे पास कई तरीके से हम बटन बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम बटन बना सकते हैं और कितने तरीके से बनेगा और उनका यूज पर्पज क्या है। तो एक बार हमने यहाँ से क्या किया, एक login.html यहाँ से हमने एक पेज बनाया, इसमें शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, ये हमारा बेसिक कोड आ गया। यहाँ पे हमने लॉगिन यूजर लॉगिन किया, ये टाइटल बार, हेडिंग्स हमें देना है तो हेडिंग्स में दिया यूजर लॉगिन या स्टूडेंट लॉगिन, जो भी आपको देना है। एचआर दे दिया एक लाइनिंग के लिए। देखिए जो हम लोग फॉर्म बनाने का काम करेंगे, यहाँ पे फॉर्म टैग लगाना हमारे पास होता है, तो फॉर्म लिख के एंटर करेंगे तो ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म टैग बना देगा। हमें लेबल लगाना है तो लेबल हमने लगा दिया। लेबल हमारा किसके लिए है, ईमेल के लिए है, तो यहाँ पे हमने ईमेल दे दिया। ये आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लेबल में फॉर क्यों दिया जाता है और आईडी क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा लेबल में होगा वही सेम चीज यहाँ पे आईडी में भी देते हैं, और आईडी इज इक्वल टू ईमेल। और ये टाइप हमें इनपुट्स कराना है यूजर से ईमेल, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ईमेल। इसको हम br यहाँ से लगा देंगे तो ये टॉप टू बॉटम में आएगा। और यहाँ से फिर से लेबल हमने दिया, लेबल में हमने पासवर्ड दिया, अगर आप पास लिखना चाहते तो पास भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, बट लेबल में हमें पूरा लिखना पड़ेगा पासवर्ड। और इनपुट टाइप यहां से फिर से लगाना है तो मैं इनपुट टाइप पासवर्ड, और यहां पे आईडी में हमने दे दिया पास क्योंकि हमने फॉर्म में दिया है पास। और यहां से हमने दिया br और इसी में हमें एक बटन लगाना है, तो हमने यहां से बटन लगाने के लिए बटन टैग होता है, बटन में हमने सबमिट दिया। सबमिट अगर हमने यहाँ पे दिया, अगर लॉगिन अगर हमने यहाँ पे लिखा होता तो लॉगिन बटन बन गया था, सबमिट लिखा है तो सबमिट बन के आएगा। ये br के बारे में आपको देखिए एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि br क्यों लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे, वो आपके ऊपर है। अगर आपको कहीं पे मिस आउट लग रहा है तो वो चीजें आप यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि इसका आउटपुट अगर हमें देखना रहे तो हम यहाँ से भी गो लाइव का भी एक ऑप्शन होता है वीएस कोड में, जो हम बार बार फोल्डर के अंदर जाकर के रन करा करके चेक करते थे, वो यहाँ से भी हम गो लाइव पे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से एक एक लाइन पे हमारा ये आ रहा है कोड। इसमें हम कुछ भी ईमेल अगर हमने पास आउट किया और पासवर्ड हमने दिया और सबमिट किया तो ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक होने का मतलब ये सबमिट हो गया, सर्वर पे जाएगा। अब सर्वर पे जाएगा तो सर्वर पे पता चल गया कि हमारा ये सर्वर पे जा रहा है। अगर यही चीजें हमने यहाँ से इसका यूज न करके, यहाँ पे देखिए ये कमेंट करने के लिए भी दिया गया है, कमेंट का मतलब अगर हमने इसको डिसेबल कर दिया तो ये हमारा काम नहीं करेगा यहाँ पे। अब अगर हमें यहाँ पे ये कमेंट कैसे किया गया ये समझना है तो कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क हमें प्रेस करना होता है। कीबोर्ड में आपके क्वेश्चन मार्क मिलेगा जिसको फॉरवर्ड स्लैश आप बोलते हो, कंट्रोल के साथ करेंगे तो एक बार ये अनकमेंट हो जाएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो वो कमेंट हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास बटन बनाने का तरीका ये है, दूसरा बटन बनाने का तरीका इनपुट टाइप, यहाँ पे हम सबमिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबमिट। सबमिट लिखने से हमारा ये सबमिट का काम करेगा। देखिए यहां से सेव कर दिया तो ये हमारा एक सबमिट बटन बन गया। तो इसकी वैल्यू तो हमें सबमिट देनी नहीं है, हमें लॉगिन लिखना है, तो हम वैल्यू में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉगिन का बटन बन जाएगा। क्या ये वैसे बटन जैसा काम कर रहा है, चेक करना चाहे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ से सबमिट किया, ये हमारा सर्वर पे सबमिट हो गया। एक यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तो तरीका ये, दूसरा हो गया सबमिट, दोनों का काम सेम है, चाहे आप इनपुट टाइप सबमिट लिखिए या बटन लिखिए, दोनों का काम सेम है।
एक हमारे पास यहाँ पे और भी दिया गया है, इनपुट लिया यहाँ पे टाइप में हमने सबमिट की जगह एक रीसेट होता है, क्या होता है रीसेट, अगर हम इसको लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे रीसेट का एक ऑटोमेटिक बन जाएगा, जैसे वहां पे सबमिट लिखा था तो सबमिट बटन बन के आ रहा था, यहाँ पे रीसेट बन के आएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमारा यहाँ से हमने दिया और रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक कर रहा है कि सर्वर पे सबमिट कर रहा है, ब्लैंक कर रहा है, ये ब्लैंक कर रहा है, पता कैसे चलेगा दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो आप यहाँ पे एक बार नेम एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, जो हमारे पास यहाँ पे इनपुट टैग दिया था जैसे आईडी दिया था वैसे नेम देंगे, नेम में हमने दे दिया ईमेल और यहाँ पे हमने पासवर्ड में एक और नेम दे दिया पास, और यहाँ पे हमने पास दे दिया। अब फिर से हम इसको क्या करेंगे, सेव करके पहले रीसेट को हम कमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं सबमिट वाले को। अब सबमिट में देखिए क्या फर्क आएगा, यहाँ यूआरएल में फर्क आएगा, इसको रिफ्रेश किया और यहाँ से हमने ईमेल दिया पासवर्ड दिया और लॉगिन पे क्लिक किया तो देखिए ये सबमिट करने पे हमारा यूआरएल में डेटा दिखाई देगा। अब अगर हम यही चीज रीसेट करके यहाँ से यहाँ पे हम रीसेट वाले को करते हैं तो रीसेट वाले में हमारा सर्वर पे डेटा नहीं जाएगा। यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा रीसेट क्लियर कर देते हैं और फिर से यहाँ पे ईमेल दिया पासवर्ड दिया और रीसेट पे क्लिक करेंगे देखिए सर्वर पे डेटा नहीं जाएगा, बट यहाँ से ब्लैंक कर दे रहा है। तो ब्लैंक करने का मतलब ये हो गया कि ये हमारे फील्ड में जो डाटा होगा उसको क्लियर करने का काम करेगा। तो आप इसका नाम चाहे तो यहाँ पे क्लियर लिख सकते हैं, क्लियर लिख दीजिए, जो मर्जी आप नाम लिख दीजिए, जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा। तो जो भी आप डाटा देंगे, अगर हमारे पास लगता है कि डेटा फॉर्म बहुत बड़ा है उसमें से सारे डाटा जो भी फिल किए गए हैं वो हमें हटाने हैं, तो बारी बारी से हटाने की बजाय आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो काम हो जाएगा, आसानी से ब्लैंक कर देगा। इसमें एक और होता है हमारे पास बटन, इसमें एक होता है हमारे पास बटन, अगर हम यहाँ पे बटन की बात करें तो इनपुट टाइप बटन होता है और यहाँ पे जैसे अभी हम लोग वैल्यू नहीं देते थे तो क्या होता था, रीसेट लिखा आता था इनपुट टाइप रीसेट में, और इनपुट टाइप सबमिट में वैल्यू नहीं देते थे तो सबमिट लिखा हुआ आता था, लेकिन अगर हमने इनपुट टाइप बटन दिया है और उसमें हमने वैल्यू नहीं दिया है तो वहां पे कुछ भी नहीं लिखा आएगा। तो आप रीसेट और बटन दोनों लगा दीजिए, या फिर एक देखिए आपका ये बटन वाला है या रीसेट वाला है, आप इसमें वैल्यू अगर हम हटा दें तो देखिए इनमें डिफरेंसेस क्या है। यहाँ से मैंने इसको भी अनकमेंट कर दिया और इसकी वैल्यू भी हटा दिया, यहाँ से कंट्रोल एस किया और यहाँ से जाएंगे तो देखिए सबमिट वाले में सबमिट लिखा आ रहा है, रीसेट वाले में रीसेट लिखा रहा है, लेकिन इस बटन वाले में आपका कुछ भी नहीं लिखा रहा है, कुछ नहीं लिखा। बाकी सब में क्या कुछ लिखा है, इनपुट टाइप सबमिट में कुछ लिखा है, इनपुट टाइप रीसेट में कुछ लिखा है सर, इनपुट टाइप इसमें जो आपका तीनों में देखिए ये जो भी हमने इसमें एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये सारी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये समझ में आ सके कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो बटन टैग होता है और सबमिट होता है ये दोनों सेम है, रीसेट हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपके फॉर्म को क्लियर करने का काम कर रहा है, और बटन हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। ये किस पर्पज से यूज होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं यहाँ पे देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा फॉर्म से रिलेटेड होता है, ये जो दोनों बटन दिया गया है दैट मीन्स बटन टैग इनपुट टाइप सबमिट इनपुट टाइप रीसेट, ये तीनों जो दिए गए हैं ये फॉर्म टैग के साथ में ही यूज होंगे, लेकिन इनपुट टाइप बटन जो है ये आप फॉर्म टैग के साथ यूज करिए या विदाउट फॉर्म टैग के साथ यूज करिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन तीनों में अगर आप फॉर्म टैग के विदाउट यूज करोगे तो फर्क पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ ये होगा कि ये जो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग है वो काम करना बंद कर देगा, जैसे अभी जो हम लोग ये वर्क देख रहे थे कि सबमिट हमारा सबमिट करने का काम कर रहा है,
रीसेट हमारा क्लियर करने का काम कर रहा है। ये तभी करेगा जब हम फॉर्म टैग यूज करेंगे तब। अगर आपने फॉर्म टैग नहीं यूज किया तो ये अपना जो भी वर्क है काम करना बंद कर देंगे। तो एक बार यहाँ पे अगर आपको टेस्टिंग करके देखना है तो यहाँ से देख लीजिए, आप फॉर्म टैग यहाँ पे हटा दीजिए और इसको भी हटा दिया, सेव किया और फिर से हमने यहाँ से रिफ्रेश किया और इसमें हमने कुछ ईमेल आईडी दिया, पासवर्ड दिया, सबमिट करेंगे। देखिए ये हमारा सबमिट नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल बटन की तरह हो गया है। बटन हमारा क्या करता है कि आप फॉर्म टैग लगाओ या ना लगाओ वो वैसे ही रहेगा, वो कभी भी सर्वर पे सबमिट करने का काम नहीं करता। ये केवल लिंक करने के लिए यूज किया जाता है बस। अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना है तो हम लिंक कर सकते हैं उस पर्पज से। जैसे हमें नेक्स्ट का बटन बनाना हुआ, प्रीवियस का बटन बनाना हुआ, जैसे आप कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो या कोई एमसीक्यू पेपर देते हो तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि आप देखते हो पहला क्वेश्चन आएगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, उसी के बगल में रीसेट का भी आता है कि चारों क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया। जैसे कभी हो गया कि रेडियो बटन में हमें उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है तो रीसेट कर दोगे तो चारों में से ब्लैंक हो जाएगा और फिर से हमें अगले क्वेश्चन पे जाना होगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हो जी। या फिर हम प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो हमारा फाइनली जब हमारे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं तो लास्ट में हमारा सबमिट का ऑप्शन आता है। तो सबमिट वाला क्या करता है, सर्वर पे हमारा डाटा सेंड करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रीवियस जो हमारा होता है वो नॉर्मल बटन होता है जो हमें यहाँ पे मिलता है, इनपुट टाइप बटन। इसमें आपको वैल्यू देना कंपलसरी होता है, या आप यहाँ पे नेक्स्ट लिखिए या फिर आप यहाँ पे प्रीवियस लिखिए, बट ये बटन होना चाहिए, बट इसमें वैल्यू देना कंपलसरी हो जाएगा। आपको यहाँ पे वैल्यू देना कंपलसरी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट प्रीवियस और ये रेडियो बटन में होते हैं तो वहां पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट पे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को लिंक करेंगे, प्रीवियस वाले में प्रीवियस वाले क्वेश्चन को लिंक करेंगे और रीसेट वाले में जो भी हम डाटा देंगे ये रीसेट हमारा क्या करेगा, रीसेट कर देगा। ये तभी काम करेंगे जब हमारे फॉर्म टैग लगे होंगे। अगर आपका फॉर्म टैग नहीं लगा है तो ये पूरा काम नहीं करेगा। जो भी अभी हम लोगों ने समझा है वो तभी वर्क करेंगे जब हमारे फॉर्म टैग लगेंगे। देखिए यहाँ पे अभी हमारा रीसेट काम नहीं कर रहा था लेकिन अब रीसेट काम करेगा। अब नेक्स्ट प्रीवियस कैसे काम करेगा, ये हम लोग हाइपरलिंक लगाना सीखे थे। हाइपरलिंक हमें सिर्फ यहाँ पे लगाना रहेगा, एंकर टैग हम यहाँ से लगाएंगे और एंकर टैग में जिस फाइल पे हमें जाना होगा, जिस क्वेश्चन पे जाना होगा, उस क्वेश्चन के यहाँ पे हम लिंक दे देंगे। मतलब जिस पे भी जाना होगा यहाँ से हम लिंक दे देंगे। जैसे सपोज दैट हमें यहाँ पे इंडेक्स पे जाना है तो index.html दे देंगे, तब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये index.html पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे पास कौन सी, इसमें देखिए एक्स नहीं था हमारे एचटीएमएल वाले फाइल में इसलिए वो एरर दे रहा था। इसको सेव करके फिर से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे बैक करते हैं और फिर से इंडेक्स पे करते हैं तो ये हमारा अभी भी रिफ्रेश नहीं हुआ है। रिफ्रेश कर लेते हैं, अब ये हमारा इंडेक्स पे, इसमें एक्स नहीं था इसलिए ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे फाइल का नाम जिस पे प्रीवियस वाले पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पे भी आप एचआरएफ लगा दीजिए। यहाँ पे टेस्ट एनएनपी है तो टेस्ट एनएनपी डॉट एचटीएमएल कर दीजिए और इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे बटन के अंदर डाल देंगे तो ये हमारा उस फाइल पे पहुंचा देगा। यहां से हमने बैक किया, इसको रिफ्रेश किया, देन हमने प्रीवियस पे करेंगे तो ये प्रीवियस वाले पे जाएगा। यहाँ पे NTEST NPP.html NPP है, यहाँ पे एक मिस हो गया था। यहां से फिर से रिफ्रेश करते हैं, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस पे चला जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना है कि जो नॉर्मल बटन होता है वो केवल लिंकिंग के लिए यूज किया जाता है
और बाकी सबमिट हो गया, रीसेट हो गया, बटन टैग हो गया, ये सर्वर पे सबमिट करने का काम और रीसेट करने का काम करते हैं और ये स्पेशली फॉर्म टैग के साथ काम करेंगे। विदाउट फॉर्म टैग के ये अपने फीचर्स को अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से थे डिफरेंट टाइप के बटन।